हर हर महादेव दोस्तों, लद्दाख राइड की प्रेपरेशन फाइनली हमारी कंप्लीट हो चुकी है और 4 दिन हमें इसीलिए लग गए क्योंकि तैयारी कर रहे थे हम लोग। ये हमारी थोड़ी सी वन ऑफ द बेस्ट जो सीरीज़ है वो हम कोशिश करेंगे, अगर ब्लॉग नहीं भी बना पाए तो एटलीस्ट खुद के लिए तो हमने इस हिसाब से हम लोग निकलना चाहते हैं कि बस खो जाए हम लोग उस ट्रिप पे, उस राइड पे, उस यात्रा तो नहीं है इस बार राइड ही है। एंड सामान हमारा लगभग सारा कंप्लीट हो गया हुआ है, कुछ एक दो चीज़ें थी वो भी अब आ गई हुई हैं, तो ऐसा कुछ ऐसा बचा नहीं है जो कि हमको लेना हो। एंड ये आप हमारे बैग्स देख सकते हैं, ये दोनों बैग्स जो हैं ये हम लेके जा रहे हैं और इनके अंदर इतना सामान है ना कि एक साल तक कोई जो है वो सफ़र कर सकता है। बट वो तो घर से हम लोग कुछ और सोच के निकलते हैं, होता बाहर कुछ और ही है। तो हमारा जो लगेज है वो सारा तो कंप्लीट हो चुका है। डोमिनार के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, डोमिनार का काफ़ी सारा काम था जो कि करवाने वाला था बट आधा अधूरा ही हो पाया। उसमें से मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था, टायर्स हमको चेंज करवाने थे बट समहाउ जो टायर्स हैं जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो टायर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं नहीं, तो हम लोग अभी सिटी वाली तरफ जा रहे हैं तो वहीं से टायर दिलवा लेंगे। और अगला टायर ही नहीं, पिछला टायर भी आप देख सकते हैं लगभग मतलब सेंटर से ये वाला जो टायर है ये जा चुका है। इसके डिस्क पैड एकदम ठीक है, फ्रंट वाली के जो डिस्क पैड हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, मतलब डायरेक्ट ना अब जो है इसकी डिस्क के साथ लग रहा है और ये निशान भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पड़ गए हुए हैं, तो ये चेंज करवाने वाला है। एंड इसके साथ ही इसके अंदर जो टैंक के अंदर एयर फिल्टर रहता है वो चेंज करवाना है और इनलाइन फ्यूल किट जो है वो चेंज करवाना है। तो 4 से 5 दिन से मैं रुका हुआ था, तो जो हमारे लोकल यहाँ पर बजाज का सर्विस सेंटर है वहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे थे कि सामान आ जाए। एक्चुअली कुछ सामान है, पल्सर तक के जो सामान है वो तो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं बट डोमिनार का कभी कभी नहीं मिलता है। इसके साथ ही हमने जो है सीट कवर्स डलवा लिए हुए हैं न्यू वाले और वापस से हमारा मोबाइल होल्डर लगा लिया हुआ है, हालांकि इसमें कुछ प्रॉब्लम थी तो मैंने ये भी जुगाड़ किया हुआ टेप वगैरह लगा के, और ये वाला माउंट भी हमने वापस से लगा लिया हुआ है। सो चलिए लगेज हमारे को अब हम बांधते हैं और मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो हम मंगवा रहे थे, छोटी छोटी चीज़ें, वो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऐशो आराम के लिए, बस जो बेसिक नीड्स रहती हैं उसमें से एक है ये बंजी कॉर्ड्स, क्योंकि जो कोई भी ट्रैवल करता है ना जब आप लगेज अपना बांध के जाते हो ना तो दिन में आपको 1 से 2 बार जो है सामान अपना उतारना तो पड़ता ही है, रात के टाइम भी उतारना ही पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस आपके पास पैनियर्स वगैरह हैं या फिर सैरी गार्ड्स वगैरह हैं। हमारे पास अभी के लिए वो सब है नहीं, तो एक बैग हमारा यहाँ पे आ जाता है, एक बैग हमारा यहाँ पे आ जाता है, तो जब कभी भी थोड़ा सा खड्डे वगैरह आते हैं, ऑफ रोड जैसी कोई सिचुएशन आती है तो बैग हमारा कोई इधर जाता है कोई उधर जाता है, वापस से पूरा बांधना पड़ता है। तो ये जो है ये मस्ट बाय प्रोडक्ट है हर एक जो भी ट्रैवल करता है विद लगेज। लगेज हमने सारा का सारा बांध लिया हुआ है, नाउ इट्स टाइम टू लीव। तो चलिए राइड हमारी करते हैं स्टार्ट, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव। बीच में टावर टूवर नहीं आएगा तो घबराने का नहीं, ठीक है। निकल तो हम लोग गए हुए हैं बट ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बारिश ही बारिश मिलेगी हर जगह पे हमको। वैसे हम लोग जब हमारी चारधाम यात्रा पे थे ना तो एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन बारिश ना पड़ी हो, और अब भी मुझे लग रहा है कि पूरी की पूरी लद्दाख राइड में जो है वो बारिश रहेगी ही रहेगी। और मेन दिक्कत ये है कि जो बादल हैं वो आ भी उसी वाली तरफ से रहे हैं जिस तरफ हमने जाना है, इस वाली तरफ आप देख सकते हो अभी क्लियर है। लाओ जी दोस्तों, हीरानगर में आप आएँ और आपको फ़ोन कान के साथ लगा के गर्दन टेढ़ी ऐसे करके लोग ना मिलें, ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ये। बरसो ना मेगा मेगा बरसो, नहीं नहीं बरसो मेगा मेगा। आजकल तो वैसे गाना भी नहीं गा सकते, कॉपीराइट आ जाता है भाई साहब, गाना गाने पे भी कॉपीराइट आ जाता है, आप हिसाब लगाओ, मतलब 5-10 सेकंड की आप एक तो लाइन बोल दो आपको उस पर भी कॉपीराइट आ जाएगा। बारिश आ गई भाई साहब, ये ना हमको आशीर्वाद मिल रहा है, ये देखना अभी मैं निकला हूँ ना तो इसलिए पड़ रही है, अब थोड़ी सी आगे जाएंगे तो यहाँ तो नहीं पड़ेगी, यहाँ तो बहुत ज़्यादा पड़ेगी, अगर बहुत ज़्यादा पड़ी तब ही आशीर्वाद नहीं है, थोड़ी थोड़ी पड़ रही है तब तो हमको ऐसे गुड लक लेंगे कि जा तेरी जो राइड है वो कामयाब हो। दे कौन रहा है वैसे, इंद्रदेव दे रहे हैं कि कोई और दे रहा है? अरे अरे ये तो तेज़ होगी। हे सूर्यदेव, देवराज इंद्र पे आप अपना मतलब दबा लो थोड़ी देर के लिए, उनको थोड़ी देर के लिए थोड़ा रख लो, लड़ाई नहीं करना उनसे, थोड़ी सी देर के लिए बस मुझे रूम तक पहुंचने दो मेरे। जम्मू कश्मीर में आप एंटर करो और आपको जो है वो नाके ना दिखे,
मतलब नाके ही नाके दिखेंगे आपको, देखना। जैसे ही मैं कश्मीर क्रॉस कर जाऊंगा ना, सोनमार्ग जैसे ही क्रॉस कर जाऊंगा, उसके बाद नाके वाके कुछ नहीं है। इक्का दुक्का कोई आएगा, अगर कोई आएगा तो कुछ नहीं, एकदम नीट एंड क्लीन। और बाहर भी किसी भी स्टेट में आप चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको कोई ऐस सच कोई परेशानी नहीं होगी। अगर किसी का कोई स्पेशल नाका जैसा कुछ लगा हुआ है तब होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं है, कोई पूछता तक नहीं है यार। मतलब आई हैव बीन टू ऑलमोस्ट एवरी स्टेट, बट कहीं पे भी जैसा J&K वाला है ना, कहीं नहीं होता है। अब माइट भी कि थोड़ा सा है डिस्टर्ब, पता नहीं कहाँ है, वैसे हमको तो डिस्टर्ब इतना कुछ दिखता नहीं है। अरे 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 भाई 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 भाई, अरे अरे अरे, अब ये बंदा राइट जाएगा कि लेफ्ट? रख काट, रख रख रख, ओहो ओ, मतलब हमने ये देखा हुआ है 370 से पहले, और मतलब हमारे घर के आसपास देखो, हम जहाँ रहते हैं वो बिल्कुल बॉर्डर के नियर बाय है, तो वहाँ पे ऐसा कोई दिन नहीं जाता, दिन तो चला जाता था, ऐसी कोई रात नहीं जाती थी जबकि हमको फायरिंग की आवाज़ ना आए। और जब से 370 टूटा है उसके बाद से, चाहे वो डैगर पॉइंट जो हमारा अखनूर हो, छोड़ो वैसे क्या मतलब, ये ऐसी पॉलिटिक्स वाला मुद्दा हो जाएगा, कई लोगों को पसंद आएगा, कईयों को नहीं आएगा, सच्चाई वैसे सबको पता है। ये जो है ना भाई साहब, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ कर दी है कि ट्रक्स के लिए ना अलग से वहाँ पे एक यार्ड बना दिया उस वाली तरफ। मतलब हाईवे पे आपको दिख रहे हैं ट्रक, बट इतने नहीं हैं, पहले यहाँ पे अत्यंत वाले ट्रक होते थे, वो देखो वो पूरा यार्ड बना दिया हुआ है, नहीं तो ना अदरवाइज इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना। अभी आप देखेंगे, देखना अभी हम लोग जो हैं मानसर वाले रास्ते से तो नहीं जा रहे, बिकॉज हमको जम्मू में एक दो दिन स्टे करना है और कुछ बाइक के रिलेटेड भी काम है, कुछ एक दो और पर्सनल काम भी है, तो हम लोग जम्मू वाली तरफ से जाएंगे। आप देखना जैसे हम लोग जखानी मोड़ पहुंचेंगे ना उधमपुर में, उसके आगे ट्रक ही ट्रक, इधर इस वाली तरफ से बहुत ज़्यादा ट्रक होंगे, इधर उस वाली तरफ से, मतलब कश्मीर तक आपको इतना ट्रक मिलेगा ना। सूर्यदेव ने हमारी सुन ली है और मुझे लग रहा है इंद्र भगवान ने उनकी बात मान ली हुई है। आप देख सकते हैं बारिश खत्म हो गई है। एक्चुअली बादल जो थे वो इस वाली तरफ को जा रहे थे, हम लोग जो थे वो इस वाली तरफ को जा रहे थे, तो बीच में हम लोग थोड़ा सा भीग गए, नहीं तो आप देखो इस वाली तरफ अभी आपको मौसम साफ दिख रहा है ना, बट पीछे वाली तरफ आप देखो पीछे चले गए हुए बादल इस टाइम। मेरा हाई स्पीड टेस्टिंग वाला रोड जो है वो भी खराब हो गया हुआ है, देखो आप यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। एक चीज़ समझ नहीं आ रही है हमको, उस वाली तरफ भी गाड़ियाँ चल रही हैं उधर से आ रही हैं और ये भी आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? और वो सामने से आप एक स्विफ्ट देख सकते हैं, वाह 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 वाह। तो आ गया है फिर से वही मोड़, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ कह सकते हैं कि अब तो तेरे शहर से भी नहीं निकलते हम, ऊपर ऊपर से ही निकल जाते हैं। छोड़ो गुस्सा, वैसे यार कितनी नाराज़गी रखनी, इस बार निकल ही जाते हैं। ज़्यादा गुस्सा ज़्यादा नाराज़गी भी ठीक नहीं है, क्या ही बता इंसान का कब प्राण निकल जाए और फिर ना जाने तेरे शहर आना हो ना हो, या फिर कब आना हो हमें नहीं पता। फौजी साहब ने निकाली गाड़ी बाहर, इंडिकेटर नहीं दिया, ऐसा तो ये लोग नहीं करते हैं। हाँ भरावा पर्दा मिगी तू आना को, ये देख रहे हो सामने आप, एक गाड़ी थी आर्मी की, वो टर्न काट रही थी, और वो भी लेन, मतलब टर्न भी नहीं काट रही, लेन चेंज कर रही है, एंड स्टिल दे गिव इंडिकेटर। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है, बट वही इकलौता बीच में एक दो होता है यार, और कई बार दिमाग जो होता है इंसान का आगे पीछे भी कहीं ना कहीं हो ही जाता है। छोटी मोटी गलतियाँ चलती हैं, इनको तो वैसे भी सब माफ़ होना चाहिए। वो देखो वापिस से आए, हाय हाय हाय, ये चीज़ है भाई साहब, देखो आप, इसको बोलते हैं ड्राइविंग। नाका भाई साहब, चारों तरफ नाका लगा हुआ है, ओहो पुलिस ही पुलिस, और मैक्सिमम जिनको रुकवाया है वो सब बाइकर्स हैं। तुम पीछे ही खड़े हो गए हो तुम लोग, ओह ट्रिपल उतर गई दीदी, उतर गई भाई साहब पीछे से, चलाक अंकल। ये वाले भैया जो हैं ये मुड़ गए विदाउट हेलमेट, ओए क्या हाल है, लॉन्ग टाइम। चलिए जी मित्रों, पहुंच चुके हैं हम लोग हमारी गली में, और यहाँ पे स्पीड ब्रेकर बना दिया गया है, आगे तो स्कूटी लगी है दीदी की, यहीं पे लगा देते हैं, सामान है बट चलो कोई नहीं।